बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। तमाम लोग उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने, लोगों को गलत तरीके से गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। इस बीच मुंबई महाराष्ट्र जहां उनका सबसे अधिक विरोध हो रहा था, वहीं पर उनकी इस समय दरबार लगी हुई है और उसमें वो एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि उनका जो दरबार वहाँ लगा हुआ है, वहाँ पहले ही दिन इतनी बड़ी भीड़ उमड़ गई कि उसमें कई एक तरह से क्योस की स्थिति आ गई और उसमें महिलाएं और बच्चे कई सारे घायल हो गए, ऐसी खबर सामने आ रही है। और कहा जा रहा है कि वहां कई महिलाओं के ज्वेलरी जो है चोरी हुई है। महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके गहने चोरी किए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले महाराष्ट्र में ही ये विवाद सामने आया था, जब सबसे पहले बागेश्वर धाम सरकार पर सवाल जो उठा था वो महाराष्ट्र में ही उठा था। नागपुर में तब बाबा का दरबार लगा हुआ था और अब ये दरबार जो है मुंबई में लगा हुआ है। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां पहले ही बार बार कह रही हैं कि इनका जो है बागेश्वर धाम सरकार का जो है ये कथा इस तरह से यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो कथा मुंबई में हो रही है वो होने के साथ ही विवादों में आ गई है। महिलाओं के ज्वेलरी गायब होने के साथ ही, ज्वेलरी चोरी होने के साथ ही बागेश्वर धाम सरकार और उनका ये जो दिव्य दरबार है पूरा एक बार फिर से निशाने पर है। आपको बता दें कि इसके पहले भी बाबा पे कई तरह के आरोप लग चुके हैं और उन आरोपों को लेकर बाबा हमेशा ही मुश्किलों के सामने भी रहते हुए भी उसका जवाब देते आए हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अगर हनुमान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना गुनाह है तो फिर उनको इसमें कुछ कहना ही नहीं है। और यही वजह है कि बागेश्वर धाम का जो मुंबई में दरबार लगा है उसको लेकर सुर्खियां बनी हुई हैं। लोग लगातार उसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और अभी जो ये घटना हुई है, ताजा घटना, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बागेश्वर धाम सरकार इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं और इसका कैसे जवाब देते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24। नमस्कार।